Hello everybody, this is Dr. Pradeep Kumar here. I'm a practicing cardiologist and diabetes specialist from Marathali in Bangalore. I would like to share a few pleasant instances that I have come across in my routine practice as far as the treatment of diabetes and cardiovascular diseases are concerned. Medicine is not just prescribing medicines. It involves a whole lot of applied sciences put together. आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाई लेने में आपकी बीमारी जो है वो कम नहीं होने वाली है. इसके साथ आपको बाकी जो साइंसेस जो अप्लाई करना है वो काफ़ी ज़रूरत है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशियंट साइंसेस दैट वी शुड प्रैक्टिस ऑन अ डे टू डे लिविंग इज योगिक मेडिसिन, योगा एंड इट्स अप्लाइड साइंसेस. We have to club our modern medicine, the knowledge of modern medicine, with the wisdom of ancient knowledge as far as this yogic medicine is concerned, to have a holistic approach towards treatment of all ailments, be it medical illness, surgical illness, psychiatric illness, or any of these other problems. मेरे पास जो पेशेंट्स जो आते हैं कभी कभी एडवाइस फॉलो करके रेगुलर मेडिसिन लेते रहते हैं और कंट्रोल में रहती है. कभी अचानक ऐसे हो जाती है कि उनका शुगर अचानक बढ़ गया है, बीपी अचानक बढ़ गया है, फिर भी जो दवा जो ले रहे हैं वो तो मामूल ऐसे ही लेते रहते हैं. तब उसे बात करने में जानकारी ये मिलती है कि घर में कोई दुर्घटना हुई है, कोई घर में कोई मर गया है या घर में कोई गुजर गया या कोई सोशल प्रॉब्लम्स हुई है, तो उसकी वजह से उन लोगों को ये जो अचानक जो चेंजेस जो आई हैं उसकी वजह से हुई है. उसके लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करने वाली है. अगर इसमें योगिक साइंसेस अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाली हैं और कॉम्प्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट भी और अच्छा रहेगी. मेरे जो दो तीन लोग दोस्त लोग थे तो उन्हीं को यही सलाह दिया था कि आप जाके नीतू जी से मिल लेना और उनकी सलाह ले लेना. भले आप मेडिसिन चालू रखो, उसके साथ जो आप एक महीने की कोर्स तो पहले चालू करा देना और उसके हिसाब से आपको जैसे फील करते हैं वो आप देख लेना. अगर आपको लगेगी कि सही लग रहा है, रिजल्ट्स मिल रही है, तो आप पूरी कोर्स करने के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं. तो फिर वो दो महीने के बाद मुझे आके मिला और मुझे भी इतना ताज्जुब हो गया कि रिजल्ट्स जो पहले जो आ रहा था और अब जो आ रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्क जो था. आई कैन नॉट क्लेम इट इज़ ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिसिन और योगिक साइंसेस, बट इट इज़ डेफिनेटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स विच हैव ब्रॉट अबाउट वंडरफुल रिजल्ट्स इन दीज पेशेंट्स. सो माई रिकमेंडेशन टू मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स इज टू फॉलो दीज yogic sciences which are an extension of our normal lifestyle so that you could lead a better life, much more fruitful, much more healthier and more successful, both in terms of quality, quantity and quality of life. So this is what I would recommend each one of y'all: inculcate these yogic sciences in one way or the other, and it will definitely be beneficial in achieving the goal. Thank you.